एक लम्हे खट्टे रहे हैं, मुट्ठियों से गिरते रहे, उंगलियों में पकड़े हैं यूं बर्बादियां, भीगी भीगी पलके जली है, सहमी सहमी रातें चली, आंसुओं में चकड़े हैं यूं चिंगारियां, जिए ही क्यों, सुलगी सांसें है पुकार दी। मैं तो वेरी ऑनेस्ट, मैंने मर्दानी पूरी तरीके से देखी नहीं है, तो मैं ज़्यादा बता नहीं सकती कैसे अलग होगा, बट मैं इस मूवी के बारे में बता सकता हूँ आपको कि इस मूवी में आपको क्या देखने को मिलेगा। इसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में नहीं है, ये एक ब्रदर सिस्टर की भी रिलेशनशिप है इस कहानी में। ये एक एक किंग पिन कैसे होल्ड रखता है अपने पूरे प्रोसेस सिस्टम में, पूरे ट्रैफिकिंग सिस्टम में, ये उस इंटेंस ड्रामा की कहानी है। आई थिंक ये रिलेशनशिप की कहानी है जिसको बहुत ही ब्यूटीफुली सिया है डायरेक्टर साहब ने। आई थिंक आप अगर उसमें कॉन्सेंट्रेट करेंगे आपको समझ में आएगा कि ये कहानी कितनी सुंदर है। ये फिल्म चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर है, और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अलावा ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग थी, बट मेन हमारा फोकस इस बच्चे पे है, बिकॉज जैसे आपने आई गेस लास्ट कुछ दिनों में बहुत सारी न्यूज़ देखी होगी कि छोटी बच्ची के साथ 60 साल का 70 साल का इंसान शादी कर रहा है, तो वो एक महत्वपूर्ण चीज़ तो हमने कवर की है। इसके अलावा हमने बहुत सारे फैक्ट्स देखे, बहुत सारे रिसर्च की कि क्या क्या हो रहा है एक्चुअली। तो हमने इस फिल्म को कमर्शियल मूड में बनाया ज़रूर है, बट जो हमने चीज़ें कवर की दे आर एक्चुअल फैक्ट्स। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट बिजनेस, ह्यूमन बिजनेस इन दिस वर्ल्ड। वो कोई भी फिल्म अगर वो कमर्शियल भी बना रहे हैं विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट, वो इतनी रिसर्च, इतनी वर्कशॉप्स करते हैं, प्री प्रोडक्शन हमारा इतना हो जाता है कि शूट पर जब हम जाते हैं ऑन शूट हम फील ही नहीं होता है कि कोई मुश्किल है, वी आर ऑलरेडी इन दैट मूड, बहुत फ्लो में शूट हो जाता है। तो सॉन्ग की कितने गाने हैं इसमें? 3 गाने हैं, जो दो आपने सुने ही हैं और एक आइटम सॉन्ग। शिवाई तो मैंने देखी नहीं है, मरदाने का मुझे थोड़ा जहाँ तक स्टोरी पता है, इसका ये कहानी सिर्फ चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर ही नहीं है, कहीं ना कहीं एक इमोशनल जर्नी है ब्रदर सिस्टर की जो इस कहानी के थ्रू हम दिखा रहे हैं, और कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो शायद बाहर अभी तक आए नहीं हैं। कोशिश है कि उन चीज़ों को हम हाईलाइट कर सकें, और सिर्फ ये एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग को ही हम हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, हम एक कहानी दिखा रहे हैं जिसमें कैसे कोई एक उस पेन को दिखा रहे हैं जो वो लोग महसूस करते हैं जो फंस जाते हैं। ये कहना बहुत आसान है कि हाँ ऐसा हो गया, वहाँ पर ऐसा हो रहा है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में ये हो गया, उस कंट्री में ऐसा हो गया, उस स्टेट में ऐसा हो गया, लेकिन लोग क्या महसूस कर रहे हैं, वो क्या पेन है, उस पेन को कहीं ना कहीं हम हाईलाइट कर रहे हैं। ना तो हमारा जब ये शूट हमने जब प्लान किया तो सबसे पहला जो मेरा मेरी ज़रूरत थी वो थी एक ऑथेंटिक हम सिटी मेंटेन करके कुछ एक प्रॉपर ढंग से दिखा सकें। उस टाइम में ना तो मेरे माइंड में था कि हमें उसके बारे में सोचना है या सेंटर के बारे में सोचना है, कोशिश है कि जितना हम रियल हो सकते हैं। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान में रखा गया कि फैमिली साथ में बैठ के देख रही है, या टीवी पर ये फिल्म चल रही है, या थिएटर्स में मूवी चल रही है, तो सब साथ में बैठ के देख सके और मैक्सिमम लोगों तक हमारी मूवी पहुंच सके। तो एक जैसे आपने अगर ट्रेलर में देखा होगा तो हमने बहुत ही एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी हमारी टीम को, चाहे हमारे DOP हो चाहे कोई भी हो, तो हमने उसी तरह से इसको शूट किया है कि आप कंफर्टेबली अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकें मूवी को। ओके, एक बात का यू नो, मैं मेरा नाम शिवान माथुर एंड एक साल पहले मुंबई आया था सिंगर बनने, सडनली सचिन गुप्ता सर से मुलाकात हो गई है, अभी वॉच कंपोज कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें लाइन चल रही है। उससे पहले क्या क्या किया जी? इससे पहले मैं बहुत सारे यूट्यूब सिंगर्स एल्बम, इंडिपेंडेंट एल्बम बहुत सारे करता था, कुछ कंपोजर्स को असिस्ट भी किया है यहाँ पे जो मेनली मैं बहुत सारे सिंगर्स एंड इंडिपेंडेंट म्यूजिक किया है यूट्यूब पर। ये कितनी सही शुरुआत मानते हैं आप अपनी बॉडी जी? हर किसी को एक मतलब राइट, मैंने मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि मतलब बहुत राइट टाइम पे राइट इंसान से मिला, सबके लिए बहुत लकी हूँ, तो मैं बहुत लकी हूँ कि मैं सचिन सर से मिला,
ये मेरे एक अच्छा पोर्शन कह रहे थे कि आप मतलब एक यंग एज में एक फुल फीचर फिल्म करो जिसका पूरा फिल्म का म्यूजिक ही मैंने पूरा किया, तो मैं बहुत अच्छी बात हूँ। मेरे पापा का स्कूल है म्यूजिक स्कूल, पापा मम्मी एक बार से तो म्यूजिक, तो उनके हेल्पेंस कह सकते हैं आप। बहुत लेट जाके रियलाइज किया अकेडमिक्स में भी बहुत चीज़ें सी मैंने पढ़ाई की है, बट बहुत बाद में जाके रियलाइज हुआ कि म्यूजिक में ही करियर बना। मैं बस कुछ महीने पहले मुंबई शिफ्ट हुई, लिटिल चांस में भी आई वॉज तो तब से अभी मैं सचिन सर से मैं कहा जो पापी का जो थीम है वो गाया है मैंने, तो मैं कहा इनका एक ड्यूएट वर्जन है जिसमें मेरे साथ एक छोटी बाघ साथ की बच्ची ने भी गाया कि एंड आई हियर इट।